कुनाली रोबोटिक हैंड इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। हे गाइस गुड आफ्टरनून। तो आज दोपहर हो गई है, पूरे 2 बजने वाले हैं। देखो घड़ी दिख रही है ना, 2 बजने वाले हैं। और फिलहाल आज मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि दृष्टि ने कपड़े धो दिए और बाहर के आपको हाल दिखाऊं मैं। भाई साहब ये देखो, ये सारे कपड़े धोए हैं दृष्टि ने और अभी बाहर डालेंगे तो कैसे भी डालेंगे। देखो लोगों ने अपने कपड़े डाल रखे, लेकिन मौसम देख रहे हो कितना, मतलब बिल्कुल मौसम बेकार हो रखा है। कपड़े डले हुए हैं, धूप आने का कोई चांस नहीं। प्रा भी जाए तो कपड़े सूखने लगे इतनी जल्दी, है ना, क्योंकि भाई ठंड तो बहुत अति वाली है। पुष्पा भी थोड़ी सी ठीक है। और हाँ, आज पता क्या, आज मैं करूँगा इसको बनाने की कोशिश। ये देखो कुनाली का जो था ना प्रोडक्ट, कुनाली रोबोटिक हैंड, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाते, कितना बनाते, मतलब कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो बना के देखेंगे। हाँ, और ये मतलब आज का मेन टास्क है। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी काम ये है कि संडे है तो भाई छुट्टी तो हो नहीं सकती ना हमारे जैसे आदमी। तो ये देखो दाल को मैं कर रहा हूँ, इसमें रौंगी और थोड़ी सी मिक्स करके, मतलब एक मूंग की दाल भी मिला दी है मैंने, थोड़ी सी पौष्टिक हो जाएगी। और पुष्पा के लिए कीवी, ये देखो पुष्पा बैठी है, पुष्पा को देती है, पुष्पा ये भी खाती रहे साथ साथ। वो देखो पुष्पा थोड़ा सा भैया से बात कर रही है, भैया का फोन आया हुआ है। पहले हमारे टास्क है दाल बनाना, उसके बाद खाना, वो भी एक टास्क होती है। सर्दियों में अच्छा मतलब गर्मा गर्म फटाफट से खा देते, ठीक है। और आज बनाएंगे हम ये, इसको बनाने की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट। आज हम बनाएंगे ये भी एक मेन टास्क है, ठीक है। तो पहले खाना बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद पुष्पा करेंगे आराम और हम ये बनाएंगे, ठीक है। और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स डू इट। दोस्तों दाल देखो मेरी लगभग रेडी है, बस थोड़ा सा पक जाए, बस हो गई दाल तो देखो रेडी। और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, हमारा काम ख़त्म, उसमें भी सीटी आने वाली है। और फिलहाल बज गए हैं 2:35, तो सब कुछ काम ठीक ढंग से हो गया है। फिलहाल पुष्पा को देते हैं नारियल पानी। तो भाई वाह, इसमें तो पानी निकल गया है, अब इसको बाद में मलाई निकालूंगा, लेकिन ये फिलहाल पुष्पा को दे देते हैं। ले अभी पुष्पा, चलो पानी पियो, सेहत बनाओ। और दृष्टि यहाँ पे देखो ब्लोवर के आगे बैठी हुई है, क्योंकि इसने भाई कपड़े धोए हैं अभी। ठंड लग रही बाबू, है ना, ठंडा हो रहा है ना बहुत, ठंड तो हो रहा है। देखो पैर भी सब, जुराबे भी भीग गए उसकी बेचारी, भीगी नहीं है, निकाल रखी है वैसे। अच्छा इसके नंबर नहीं बने, फिर नंबर वापस, पैर ठंडे हो रहे हैं बस, ठीक है। पैर तो यार मेरे भी बहुत ठंडे हो रहे हैं। देखो पुष्पा की चप्पल पहन रखी है और आ भी नहीं रही है मुझे, ऐसे अटका रखी है मैंने बस। तो दोस्तों ये देखो इतनी मलाई निकली है इसमें से, काफ़ी है, थोड़ी थोड़ी खा लो भाई। पुष्पा भी खा खा के परेशान हो गई होगी और मैं भी दिखा दिखा के, आप भी देख देख के परेशान हो गए होंगे, क्या करें जी, अब आजकल यही आ रहा है। चलो जी दृष्टि ने भी खा ली, और भी लेनी। तो दोस्तों मुझे एक और टास्क मिल गई है, दृष्टि कहती है थोड़ा सा रायता बना दो। तो दही ला रखी है, देखो मैं तो देखी नहीं, दही पड़ी है तो बूंदी भी पड़ी है, बूंदी का रायता बना देते हैं, नो प्रॉब्लम, आई कैन। तो दोस्तों खाना लग गया है और ये देखो रायता भी बना दिया है, सबको दे दिया है खाना डाल के। इधर से पुष्पा भी, चल दृष्टि आ रहा, अपनी जगह संभाल लो। तो चलिए अब करते हैं लंच जल्दी से और फिर करेंगे हम अपना काम, पुष्पा करिए आराम। तो दोस्तों बहुत बढ़िया यार, लोचा हो गया, मतलब ये देखो मैंने ये बनाने के लिए रखा था और मैंने कहा चलो बैठ के आराम से बनाऊंगा, खाना वाना खाया और मैं कहा चलो थोड़ा सा पैर सीधे करता हूँ। पैर क्या सीधे किया, मेरे को नींद ही पड़ गई और देखा तो सीधा 6:30 हो गए एकदम से, और थकान ज़्यादा हो गई थी तो नींद भी आ गई, वही पता ही नहीं लगा। तो फिलहाल कुछ नहीं, ये देखो रखा हुआ है और फिलहाल चाय वाय पी के बैठे हुए, तो करते हैं इसको, जरूर करेंगे यार, ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और देखो अभी दूध पीने लगे, प्रज्वल तो सो गया भाई, थकान हो गई होगी ना उसको। और ये देखो आज धुंध देख रहे हो भाई, यहीं तक धुंध है पूरी, मतलब इतना गहरी धुंध है ना, मतलब अभी कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रही और ठंड बहुत ज़्यादा। अभी तक हमारा तो ब्लोवर देखो अभी तक चला हुआ है, मैं अभी तक ना वो बना ही नहीं पाया हूँ। और टाइम कितना हो गया पता है, 10:15 हो गए। तो कोई बात नहीं, दूध दूध पीते हैं और मैं बैठ जाऊँगा, बनाऊँगा जरूर। कुनाली रोबोटिक हैंड मुझे बनाना ही है, शुरू करना। हाँ मैंने उसका कुछ पार्ट देख लिया, अभी दिखाता हूँ कि उसकी स्टोरी क्या, कैसे बनेगा वो मैंने समझ लिया थोड़ा सा बुक पढ़ के, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलो कोशिश तो मैंने बहुत कर रहा था इसको बनाने की टाइम से, लेकिन टाइम लग ही नहीं पा रहा। लेकिन अब मेरे को ना मैंने जो है ये किताब पढ़ी है पूरी, जो ये बुक है ना ये मैंने पूरी पढ़ी। तो इसमें इस तरह से है कि भी इसमें अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्से को पहले बनाना पड़ेगा, जैसे कि 1 से लेके
13 या 14 नंबर तक ना सिर्फ आपको एक थंब ही बनाना है। थंब बनाने की सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि थंब कैसे बनेगा करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो 12 या 13 या 14 तक है, ये देखो, ये 14 तक जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे थंब, द थंब इज रेडी, ये देखो 14 तक लिखा हुआ है थंब इज रेडी। फिर 15 से शुरू हो जाएगा फिंगर्स का, तो ये फिंगर्स का शुरू हो जाएगा और ये मेरे ख्याल से 27-28 तक जा रहा है, ये देखो है ना, 27-28 तक है, 29 तक बस, ये देखो इस तरह से फिंगर्स बन जाएंगे 29 तक। तो फिंगर और थंब बन गए और उसके बाद जो पार्ट आता है, तो ये देखो ये सेकंड पार्ट इसका पाम, फिर ये पूरी हथेली बनेगी ऐसे, है ना। तो उसके ये कौन से पार्ट्स चाहिए, किस तरह के कहां कहां से मिलेंगे, वो सब इसमें दे रखा है, क्या नाम से है और किस तरह से कहां पे वो मिलेंगे। ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि कौन से शीट पे, फ्रॉम शीट टू, इसमें लिखा है फ्रॉम शीट वन, तो इस तरह से ये बनेगा। और ये सारा फिर 44-45 तक इसी तरह से इसको पार्ट्स को किस तरह से जोड़ के और ये बनना है इस बुक के हिसाब से। एक्चुअली मुझे अभी टाइम ही नहीं लग पाया, थोड़ा सा काम आ गया था तो मैं वो करने लगा, तो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया फिलहाल, और ऊपर से मैं सो भी गया था। तो बस इतना तो मैंने देख लिया कि ये, क्योंकि पहले मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अभी पहले मैनुअल अच्छे से पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर इसको जब निकालेंगे ना, इन जो ये कटआउट्स हैं इनको निकालेंगे और साथ में ये रबर बैंड्स और ये सब दे रखे, इनका सबका अलग अलग मीन है, इसमें लिख रखा है सब कुछ, तो बस इसको फॉलो करते रहेंगे तो बन जाएगा ईजिली। तो हाँ, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी टाइम कितना हो गया है मैं दिखा देता हूँ, 11 बज गए, क्योंकि और 11 बजे अब मैं इसको बनाना अगर शुरू करूँगा, एक्चुअली मेरा एक टाइटल आ गया था तो वो बनाया और उसमें फाइनल करते करते बहुत समय लग गया, तो ये चीज़ रह गई फिर ना। तो बस कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसको बना के आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं तो फिंगर्स और थंब, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। तो भाई कोई भी पार्ट अगर गलत चलेगा तो लग गया ना गलत, तो वो मूव ही नहीं करेगा और ख़राब भी, टूट भी सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाने वाली चीज़ है। तो हाँ, एक बार मैं बनाऊंगा, मतलब एक बार क्या, बार बार बनाऊंगा ज़रूर, पहले एक बार इसको फिलहाल मैं अभी रख देता हूँ। और मैंने इसको बुक को मैंने एक्चुअली अच्छे से पढ़ लिया मैनुअल को, तो मुझे समझ आ गया कि सबसे पहले तो थंब बनेगा, 1 से 14 तक का जितने पार्ट हैं वो थंब के जोड़ के, फिर उसके बाद फिंगर्स बनेंगी, फिर उसके बाद पाम बनेगी, फिर उसके बाद उसको जो अटैच कर रहा है ना, फिर उसमें जो स्ट्रैप लगने हैं, बैंड्स लगनी है, वो सब जोड़ के और फिर स्टिकर लगा के, और हमारा कुनाली रोबोटिक हैंड जो है बन जाएगा। बस जल्दी से जल्दी, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है उसको बनाने की। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यार से कमेंट कर दो। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से इसको बना के दिखाऊंगा मैं कितनी जल्दी बनता है और कितना टाइम लगता है वही समझने में या वो करने में। तो हाँ, मैनुअल पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से जल्दी बन जाना चाहिए। तो बस बाय।